हेलो फ्रेंड, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था प्रॉपर्टी डायग्राम, जिसमें हमने जो डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं उनको हमने प्रॉपर्टी डायग्राम पर बनाना सीखा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट है वो है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी चेंज्ड इन फॉर्म। जब हम थर्मोडायनेमिक्स में इसको लिखते हैं तो ऐसे इसका स्टेटमेंट बनता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क इज इक्वल टू द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट। इस तरीके से हम इसको थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं। देखिए कैसे, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट, ये दोनों एक साइक्लिक प्रोसेस में बराबर होते हैं। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये हम इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को हम एवरी सिस्टम में यूज कर सकते हैं, फॉर एवरी सिस्टम। मींस चाहे वो सिस्टम ओपन सिस्टम हो, क्लोज सिस्टम हो, चाहे वो आइसोलेटेड सिस्टम हो। अब ये तो हम बात कर रहे हैं एक साइक्लिक प्रोसेस की, मान के चलते हैं अगर वो प्रोसेस साइक्लिक नहीं है तो इसको हम कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसको डेराइव करते हैं उस फॉर्म में। देखिए यहां पर मैंने एक प्रॉपर्टी डायग्राम बनाया हुआ है, ये पीवी के बीच में है, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में। यहां पर मैंने तीन प्रोसेस ली हुई है। देखिए पहली प्रोसेस है 1A2, सेकेंड प्रोसेस है 2B1 एंड थर्ड प्रोसेस 2C1, जिसमें मैंने दो साइक्लिक प्रोसेस बनाई है। पहली है 1A2B1, जो मैं यहां लिखता हूं 1A2B1। दूसरी है 1A2C1, 1A2C1। तो हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस हो गई। अब इन्हीं साइक्लिक प्रोसेसों को मैं इस फर्स्ट लॉ पर अप्लाई करूंगा। देखिएगा सबसे पहले हम इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क लिख लेते हैं, उसके इक्वल में हम हीट लिखेंगे। तो सबसे पहले वर्क लिखते हैं। देखिए इंटीग्रल 1 से 2 तक, ए पाथ से 1 से 2 फ्रॉम पाथ ए dW प्लस फ्रॉम 2 to 1 बी पाथ से, ओके 1 बी पाथ से dW इज इक्वल टू, अब हीट लिखेंगे यहां 1 से 2 ए पाथ dQ प्लस 2 पर आ गए, फिर 2 से 1 बी पाथ से dQ। ये वही इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन सेकंड लिखेंगे, इसके लिए हम फर्स्ट लिखेंगे। देखिएगा 1, 2 ए पाथ से dW प्लस 2, 1, इस बार हम B से नहीं जाएंगे, C से जाएंगे, C dW इज इक्वल टू 1 से 2 ए पाथ से आए हैं, हीट देखेंगे यहाँ पर, प्लस गए किस पाथ से हैं हम, C पाथ से 2 से 1, यहाँ लिखेंगे C dQ, इसे लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब हम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर देते हैं। देखिए माइनस करने पर क्या होगा, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी, ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी और ये भी टर्म नेगेटिव हो जाएगी। जब हम देखेंगे तो देखिए ये टर्म सेम है, परंतु ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सेम ऐसे ही ये टर्म और ये टर्म एक सेम है, तो ये दूसरे को भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, ये पॉजिटिव टर्म बचेगी, ये नेगेटिव टर्म बचेगी, ऐसे ये पॉजिटिव टर्म बचेगी, ये नेगेटिव टर्म। इसको लिख लेते हैं यहां पर, देखिएगा B2 1 dW माइनस 2 से 1 सी पाथ से होके dW इज इक्वल टू, देखिए ये बचा है 2 1 B dQ, ये माइनस में बचा है, माइनस 2 से 1 CdQ। अब देखिए C प्रोसेस को मैं एक तरफ कर लेता हूं और B प्रोसेस को मैं एक तरफ कर लेता हूं। जब C प्रोसेस को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा,
माइनस ये नेगेटिव ही है 2 से 1 C D W इज इक्वल टू 2 से 1 B D Q सेम इसको एज इट इज। जब इसको इधर लेके आऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा 2 1 D W। देखिएगा अब इसको एक तरीके से लिख लेते हैं हम। देखिए कैसे लिखेंगे C 2 1 अंदर लिखेंगे DQ माइनस DW इज इक्वल टू बी पाथ में 2 1 यहाँ पे DQ माइनस DW। ये देखने के बाद देखेंगे अपन DQ यहाँ एक बात समझिएगा। देखिए यहाँ पर दो प्रोसेस हैं, एक बी है एक सी है, दोनों 2 से स्टार्ट होती हैं और 1 पर एंड होती हैं। देखिएगा ये सी पाथ से हो रही है और ये बी पाथ से हो रही है, तो हमें एक चीज देखने को मिल रही है क्या कि हीट और वर्क का डिफरेंस दोनों प्रोसेस में सेम है। तो इससे हमें एक रिजल्ट निकल के आता है क्या कि हम किसी भी पाथ से होकर जाएं 2 से 1 पर, चाहे वो ये पाथ हो चाहे ये पाथ हो, किसी भी पाथ से होकर जाएं, हीट और वर्क का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो DQ माइनस DW और वह डिफरेंस होगा डेल्टा ई के बराबर, जिसे हम बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी, जो कि मैंने आपको टाइप ऑफ एनर्जी वाले लेक्चर में बताया था। इसको ध्यान रखना है और ये इक्वेशन वैलिड है फॉर ऑल सिस्टम, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए हम जानते हैं डेल्टा ई में क्या क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी में इंटरनल एनर्जी होती है प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस फ्लो एनर्जी। अब देखिएगा फॉर क्लोज सिस्टम, जब हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो क्या है ये डेल्टा पीवी पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्लो एनर्जी को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे हम नेगलेक्ट करते हैं वैसे ही हमें डेल्टा ई बराबर डेल्टा यू मिल जाता है। तो डी क्यू इज माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू, तो इसको हम लिखेंगे डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस प्लस डी डब्ल्यू। ये जो आया है हमारे पास ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर क्लोज सिस्टम, ये है ओनली फॉर क्लोज सिस्टम। ये ध्यान रखना है आपको कि हम इसको सिर्फ हम क्लोज सिस्टम में ही यूज करेंगे। अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर दिस इक्वेशन। देखिएगा हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, ये है हमारा एक सिस्टम, जिसमें अगर सिस्टम को हीट दी जा रही है तो उसे हम लेंगे पॉजिटिव, अगर सिस्टम से हीट बाहर जा रही है तो हम लेंगे हीट को नेगेटिव, अगर सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है तो हम लेंगे वर्क नेगेटिव, और अगर सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो हम लेंगे पॉजिटिव। ओके, हीट गिवन टू दी सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट टेकन आउट दी सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन बाई द सिस्टम इज पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम प्रॉब्लम्स में आगे यूज करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।